आज का जो विषय है हमारा वो क्रॉन्स डिजीज पर है। तो क्रॉन्स डिजीज कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आईबीएस भी होता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम भी होता है और क्रॉन्स डिजीज भी होता है। तो आयुर्वेद का चिकित्सा जब हम करते हैं तो वो सफल चिकित्सा हो जाती है। क्यों चिकित्सा सफल होती है, उसका कारण है क्योंकि ये जो सिंड्रोम्स रहते हैं ना, बड़े बड़े जो एलोपैथी के जो बड़े बड़े सिंड्रोम्स रहते हैं उसको एलोपैथी साइंस ऐसे बोलता है कि यह ऑटोइम्यून डिजीज है। तो इसका इलाज ही नहीं है, वो लोग मेडिसिन देंगे, मिसाकोल देंगे, कुछ स्टेरॉइड देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन एक बार जो डिजनरेटिव चेंजेस आ गए कोई भी अवयव में और ऑटो इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गई, तो जो व्याधि हो गया उसका इलाज नहीं है। एलोपैथी साइंस वहाँ हाथ खड़े कर देता है, और या तो वो क्या करेंगे कि सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, लेकिन मेडिसिन में वो लोग इतने परफेक्ट नहीं है। जब हम लोग क्रॉन्स डिजीज देखते हैं तो उसके बारे में हमारे जो आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमद अग्नि सर हैं, उनके पास उनसे मेरे पास ना 500 साल पुराने जो वैद्य हैं उनके कुछ अनुभविक योग और वो कैसा सोचते हैं आयुर्वेद के चिकित्सक, इसके बारे में बताएं। क्योंकि ना ये नाम तो है, नोमेनक्लेचर जो दिया है क्रॉन्स डिजीज, यह अंग्रेजों ने दिया है, ब्रिटिशर्स ने दिया, लेकिन ये असली में गृहिणी रोगी है। और यहाँ पर मतलब प्रवाहिका जैसे लक्षण भी आते हैं, पक्वाशयगत वात के भी लक्षण आते हैं, कुष्ठ रोग और स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह के भी सिम्टम आते हैं। तो ये क्या क्या लक्षण होते हैं वह हम लोग देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मॉडर्न का जो डिजीज है क्रॉन्स डिजीज उसमें आयुर्वेद किस तरह से चिकित्सा देते हैं। और मैं प्रैक्टिशनर हूँ तो मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोगों को वो काम है। आप लोग ये ना करें कि आप रेफर कर दें एलोपैथी डॉक्टर के पास, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं वैसे इलाज, क्योंकि आप लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो अगर हम लोग क्रॉन्स डिजीज देखेंगे तो इसके बारे में ऐसा बताया है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अल्सरेटिव कोलाइटिस में रहता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सरेशन रहते हैं, जख्म जख्म बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पे स्वेलिंग भी रहती है, सूजन भी रहती है और कुछ ना कुछ चेंजेस आए रहते हैं, और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज़्यादातर रहता है। इलम और जेजुनम, इसमें इलियम और जेजुनम में ही इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। और इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या सिम्टम रहते हैं वह जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा अतिसार लग जाता है, क्रॉन्स डिजीज में अतिसार लग जाता है, कभी कभी फीवर आता है, बुखार आ जाता है, फिर पेट में दर्द होता है, कभी कभी पेरिटोनियम में भी इन्फ्लेमेशन चले जाता है, तो पेरिटोनाइटिस भी इसमें सिम्टम दिखाई देता है। इसके साथ में जब ये पेशेंट मोशन को जाता है तो उसको ना ब्लड आता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा स्टूल आता है जो काला हो गया है, मतलब उसमें पहले मलीना जो बोलते हैं मलीना जैसे टाइप का स्टूल भी आएगा। कभी कभी इसमें म्यूकस आता है बहुत ज़्यादा, ऐसे सकफ मल प्रवृत्ति होती है। दूसरा, इसमें कभी कभी क्रॉन्स डिजीज में जब पेशेंट आते हैं तो उनको उदर शूल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको खाने के बाद जो परिणाम शूल बोलते हैं या अन्न द्रवाख्य शूल, इस तरह का उनको वेदना रहती है। कभी कभी पेशेंट को 20 बार जाना पड़ता है, पूरे 24 घंटे में 20 बार उसको लूज मोशन जाना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा कंडीशन बेकार हो गई तो और भी 40-50 बार जाना पड़ता है। दूसरा, इसमें ये रहता है कि अगर पानी भी पिया, कुछ खाया भी, तो उसको तुरंत ही प्रेशर आएगा, अर्जेंसी और ये बोलते हैं हरीनेस ऐसा होगा, और वो जब जाएगा ना तो वो स्टूल तो पास थोड़ा ही करेगा लेकिन उसको पेट दर्द बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पेट दर्द के साथ ही वो स्टूल पास होता है और उसको फिर थोड़ा रिलैक्स लगता है लेकिन वो फिर से पेट दर्द कंटिन्यू रहता ही रहता है। इसी तरह से उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पासम होता है, मतलब जकड़ जाता है कभी कभी, और उसको ना बार बार ऐसा लगता है कि अब मोशन करना है, अब मोशन करना है। इसी तरह से उसको जब खून आने लगता है, जब मोशन पास करेगा, क्रॉन्स डिजीज केवल स्मॉल इंटेस्टाइन का ही डिजीज है, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तब हम उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। लेकिन क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है कि जब ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो खून की कमी हो जाती है, तो पांडु रोग ऐसा होने का बहुत चांसेस रहता है। इसी तरह से अगर खून की कमी हो गई तो उपद्रव स्वरूप में क्या हो सकता है, तो पूरा अर्थराइटिस होगा, संधिगत वात ऐसे सिम्टम आएंगे, सारे ज्वाइंट्स पेन होगा, फिर उसके बाद में ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, क्योंकि अच्छा रस धातु नहीं मिलेगा, अच्छा रक्त धातु नहीं मिलेगा, अच्छा मांस धातु नहीं मिलेगा, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र नहीं मिलेगा, तो इसके वजह से अस्थि व स्त्रोतस में भी डिफॉर्मिटी होगी, उसमें भी विकृति आएगी, और एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कंडीशन आएंगे, सैक्रोइलियाइटिस जैसे कंडीशन आएंगे, मतलब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कहीं पर भी आ सकते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्रॉन्स डिजीज हुआ है। उसी तरह से यह 10% लोगों को
इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऐसे दिखने को मिलते हैं। क्रॉन्स डिजीज में अगर हम लोग देखेंगे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो ESR हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है। और उसमें हमें ये जो एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी में हमें कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है। USG में तो उतना नहीं पता चलता जितना एंडोस्कोपी कराते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि, और वो भी पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन तक अगर वो एंडोस्कोप को डाल के और पूरा विजुअलाइज किया गया। का रिपोर्ट देखा है, एंडोस्कोपी करते हुए भी देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, और वहां पर जैसे ही पानी या अन्न कुछ लगेगा, एक तो एसिड सिक्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, दूसरा अन्न और पानी लगेगा कि मोशन की प्रवृत्ति होगी, और दूसरा क्या है कि पेट दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह का जो रहता है, अब वहां पर एक तरह से सोचे कि जख्म हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जख्म हुआ है, और उसकी वजह से ही शोथ है, मतलब इंटेस्टाइन का शोथ है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यह क्रॉन्स डिजीज रहता है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, मुहरबद्धम मुहरद्रवम जो ग्रहणी का सिम्टम है, ऐसा दिखता है कि कभी कभी पेशेंट को लूज मोशन हो जाएगा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन रहता है क्योंकि उसको इतना तकलीफ ही हुआ रहता है। अब आयुर्वेद की चिकित्सा, एलोपैथी की चिकित्सा में हम नहीं जाएंगे, एलोपैथी में बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, उससे नहीं हो रहा है तो फिर वो लोग मतलब बार बार पेशेंट को सलाइन चढ़ाना पड़ता है क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाता है जब अतिसार बहुत ज्यादा होता है, डायरिया जैसे कंडीशन होते हैं, नहीं तो फिर वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, स्टेरॉयड्स देते हैं, मिसाकोल देते हैं, ऐसे वो लोग दवाइयां देते हैं लेकिन वो क्योर नहीं करते हैं। मिसाकोल जैसी दवाइयां हैं एलोपैथी की, वो क्या करते हैं कि अल्सरेशन हुए ना तो उसको वो सिकुड़ा देगा लेकिन वो हील नहीं करेगा, सिकुड़ा देगा। और आयुर्वेद की दवाइयां हैं, आयुर्वेद में हम जो मैं अभी ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसमें क्या रहता है कि वो हील कर देता है। अब इंटेस्टाइन में आप देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमी याद करिए, आप लोगों को याद होगा तो उसमें विलाइज रहते हैं, फिर मस्कुलरिस लेयर रहते हैं, सब मस्कुलरिस और म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, जो चार पांच लेयर्स रहते हैं विलाई को पकड़ के, तो विलाई क्यों रहते हैं, वो आगे आगे अन्न को ढकेलते जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि वहां पर जखम हो गया है पूरा ज्यादा, तो आयुर्वेद की दवाइयां क्या करती हैं कि एकदम रिकवर करती हैं, नए नए सेल बनाती हैं और पूरी तरह से वो हील कर देती हैं। और इसीलिए आयुर्वेद की चिकित्सा जो है क्रॉन्स डिजीज में 100% प्रभावशाली है और परमानेंट क्योर करती है। और इसको पूरा ठीक होने में, क्रॉन्स डिजीज ठीक होने में कम से कम पेशेंट को बता देना चाहिए कि 1.5 साल लगेगा आपको ठीक होने में। क्यों इतना टाइम क्यों दे पेशेंट, तो उनको बोलिए कि अल्सरेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है और पित्त का स्त्राव भी हो रहा है, तो हमें पूरा जो आपकी यंत्रणा है पूरा स्ट्रक्चरली हमें चेंजेस करने हैं, तो हमें उतना टाइम लगेगा। अगर आप उतना टाइम देने को तैयार हैं तो आप उतना टाइम दे। और दूसरा बात है कि कभी भी पेशेंट अगर स्टेरॉयड डिपेंडेंट है या एलोपैथी के ड्रग्स डिपेंडेंट है तो उनको सडनली बंद नहीं करना है। हमको 3-4 महीने क्या करना है कि एलोपैथी की दवाई लेते रहे और आयुर्वेद की दवाइयाँ दे, आयुर्वेद की दवाइयाँ दे, तो 3-4 महीना जब हो जाएगा तो उसका तब तक हम लोग आम पाचन कर लेंगे, और जो भी पित्त शामक चिकित्सा है वह दे देंगे, अतिसार को कंट्रोल में, उसके बाद उनको हमें टेपरिंग डोज में एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करनी है। अगर तुरंत बंद किया तो विड्रॉल सिम्टम होके सारे लक्षण एक ही बार एग्रीवेट होके बढ़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि लेने के देने पड़ गए, पेशेंट को और ज्यादा तकलीफ होती है, जो एलोपैथी ने कंट्रोल करके रखा था बीमारी को वह और ज्यादा विकृत हो जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखिए। अब आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ क्रॉन्स डिजीज क्या है कि हम इसमें वात पित्त शमन चिकित्सा करते हैं। वात क्यों, क्योंकि शूल है, पित्त क्यों, पित्त की चिकित्सा क्यों करेंगे, क्योंकि पित्त का ही तो सिक्रीशन हो रहा है सभी जगह, पाचक पित्त को हम लोग ग्रहणी कला से भी निकलता हुआ देखते हैं, यकृत से भी बाइल निकलता है वो भी देखते हैं, और जो इंटेस्टिनल वॉल से जो पचन क्रिया के लिए जो निकलता है वो सारे को पाचक पित्त बोलते हैं। तो यहाँ पर वात पित्त शामक चिकित्सा देना है, और व्रण रोपक चिकित्सा मतलब वहां पे ऐसा सोचिए कि जख्म हो गया है तो व्रण का रोपण करने की चिकित्सा, ये चिकित्सा सिद्धांत है। इसके बाद में हम लोग इसमें मेडिसिन जैसे हम लोग क्या देते हैं कि हिंगू वच्चादि चूर्ण, अगर पेट दर्द है कॉन्स्टिपेशन बोल जाए तो हिंगू वच्चादि चूर्ण है, या हम लोग घी के साथ देते हैं, या फिर हम लोग ये देखें कि कभी भी क्रॉन्स डिजीज में डायरेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में आसावरिश नहीं देना चाहिए, नहीं तो आसावरिश देते हैं तो उससे इरिटेशन होता है, अगर देना है तो आप दीजिए लेकिन कुट्टजारिश छोड़ के
पिपल्य आसव जैसे स्ट्रांग जो भल्लातक आसव वगैरह ऐसे स्ट्रांग जो है आसव ऋषि ना दे, हमें देना है तो चंदन आसव दे सकते हैं, पिपल्य आसव दे सकते हैं, लेकिन उसका अनुपान पानी ही होना चाहिए कि वो डाइल्यूट फॉर्म में जाए। डायरेक्ट देने से वो एग्रेवेट होके पेट दर्द और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसी तरह से इसमें विरेचन चिकित्सा जो है वह तुरंत ही ना दे, क्योंकि विरेचन होगा तो बहुत ज्यादा उसको छिल जाएगा और ज्यादा जख्म होने के, इसलिए स्ट्रांग विरेचन चिकित्सा न दे, मतलब तीक्ष्ण विरेचन इच्छा विधि जैसे द्रव्यों से न दे। देना है तो आप एरंड तेल दें, एरंड तेल सबसे स्मूथली निकालता है मल को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। और दूसरा पिच्छावस्ती जो है मोचरस सिद्ध, जो पिच्छावस्ती मतलब दूध में मोचरस डाल के और आप उसमें शालमली मूल वगैरह और ऐसे पिच्छावस्ती का बताया है चरक संहिता में, वह सब डाल के घी डाल के और उसका बस्ती दें तो वो ना जल्दी जल्दी हील करता है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसी तरह से इसमें कटु अम्ल लवण जो रस है वो उसका ना वर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कटु रसात्मक द्रव्य, जैसे बहुत ज्यादा मिर्ची विदाही पदार्थ, बहुत ज्यादा कटु रसात्मक, बहुत ज्यादा तीखा लाल मिर्ची पाउडर, बहुत ज्यादा गरम मसाले, यह वर्ज करना चाहिए। बहुत ज्यादा खट्टे चीजें जैसे विनेगर हो गया, टमाटो सॉस हो गया, जैम जेली हो गया, जो खट्टा या फिर जो प्रिजर्वेटिव डाल के खट्टे चीजें बनाते हैं वह पूरी तरह से अम्ल रस का इसमें सेवन कम करना है या बंद कर देना है। मतलब पेशेंट को बोलिए जब तक इलाज चलेगा आपको टोमेटो सॉस नहीं खाना है, आपको जैम नहीं खाना है, अचार बहुत ज्यादा नहीं खाना है, खट्टा ये सब चीज हमें मना करना है। उसी तरह से लवण रसात्मक जो चीजें हैं जैसे कि पापड़ हो गया जिसमें नमक बहुत ज्यादा रहता है, अचार हो गया, लवण रस का भी इसमें सेवन कम से कम कराने के लिए देना है। तो अगर ये सारे पित्तवर्धक चीजें हम लोगों ने, क्योंकि कटु अम्ल लवण है वो पित्तवर्धक है, जितना वो खाएंगे उतना वो पित्त बढ़ेगा और वो हीलिंग प्रोसेस रुक जाएगा, इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम लोग जब देखते हैं इसमें क्रॉन्स डिजीज में पित्त दुष्टि भी रहती है और रक्त दुष्टि भी रहती है, क्योंकि वहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं, तो पित्त भी विकृत रूप से सर गुण से, द्रव गुण से, उष्ण गुण से, तीक्ष्ण गुण से, विस्त्र गुण से, अम्ल रसात्मक ऐसा अपना पित्त निकल रहा होता है, अम्ल गुण से भी बढ़ा हुआ रहता है। उसी तरह से मतलब तो उसमें अम्लता बहुत ज्यादा रहती है, अम्ल गुण नहीं होता, अम्लता बहुत ज्यादा रहती है उसमें, एसिड फॉर्मेशन ज्यादा रहता है। उसी तरह से इसमें क्या देना चाहिए, कौन से रसात्मक द्रव्य देना है, तो मधुर और कषाय रसात्मक वो द्रव्य जब देते हैं तो वो हील करता है और इसका भी पित्त का शमन कर देता है। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य अच्छा है, लेकिन मधुर और कषाय ऐसे द्रव्य जब देते हैं, और कषाय तिक्त रसात्मक द्रव्य देने से क्या होगा कि अगर वहां पे कुष्ठ जन जैसी संप्राप्ति और शोथ है तो तिक्त रस भी उसको हील करने में आसानी करता है, मतलब वहां आम का पचन करेगा और तिक्त रस क्या रहता है पित्त का शमन करेगा, तो मधुर और कषाय रसात्मक द्रव्य उसको हील जल्दी कर देता है। इसी तरह से स्तंभन चिकित्सा जो है, मतलब अगर लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है क्रॉन्स डिजीज में, तो स्तंभन चिकित्सा जैसे हम लोग कुटजा ऋषि देते हैं, कुटज घन पर्पटी देते हैं, फिर बिल्वा वलह देते हैं, वहां पे स्तंभन चिकित्सा देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पेशेंट का पूरा एनर्जी उसी में चला जाएगा लूज मोशन कर करके। फिर इसके बाद में अवस्था के हिसाब से हम लोग जब हम लोग थोड़ा सा उसको रिकवर करते हैं, मतलब उसका हमने अच्छे से अग्नि दीपन कर दिया, थोड़ा सा स्तंभन दे दिया, उसका लूज मोशन थोड़ा कंट्रोल कर दिया, जो नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी था मोशन जाने का वो हमने कंट्रोल कर लिया, तब फिर हमें शोधन चिकित्सा देना है, शमन देना है और स्तंभन देना है, मतलब शोधन भी देना है और स्तंभन भी देना है, ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि साथ में हम स्तंभन भी कैसे देंगे और शोधन भी कैसे देंगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला है ग्रंथकारों ने कि मृदु विरेचन, मृदु अनुलोमन करने वाले जो हल्के जो द्रव्य हैं जिससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जैसे एरंड तेल तो सर्वश्रेष्ठ है, वह बहुत अच्छा से पेट साफ करता है और वो व्यापक नहीं करता, अगर 2 चम्मच या 4 चम्मच पेशेंट की अवस्था के हिसाब से दे दिया तो उससे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। और जो स्त्यान कफ बार बार निकल रहा है, क्योंकि ऐसा कल्पना करिए कि क्रॉन्स डिजीज में जख्म हो गया है, जख्म हो गया है तो वो जख्म और ना बढ़े, वहां जख्म होके और छिल ना जाए, क्योंकि बार बार वहां स्टूल बनेगा, मल आएगा, अन्न आएगा, आहार रस रहेगा, वो पित्त युक्त रहेगा, तो और छिल के और न बढ़े, इसलिए बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस बहुत ज्यादा निकालती है। तो जब हम एरंड तेल का पान कराते हैं तो वो म्यूकस को पूरी तरह से निकाल देता है, वॉश आउट करता है, इसलिए एरंड तेल अच्छा है। या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा हाईली कॉन्स्टिपेशन होते हैं पेशेंट, तब हम उनको घृत पान करा के और फिर हम उनको त्रिवित लेहम देते हैं, वो भी 1 या 2 चम्मच ही देते हैं। इच्छा विधि जैसे द्रव्य, अश्वकंचुकी जैसे द्रव्य, नाराचरस,
मिश्रक नेम ऐसे तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य नहीं देना है। जमाल गोटा का जो जयपाल युक्त द्रव्य रहते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं देना है, नहीं तो वो अल्सर और बढ़ेगा और क्रॉन्स डिजीज और बढ़ने का, और फिर वो जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस तक भी कर सकता है। और इसके बाद में अगर ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो हमें स्तंभन चिकित्सा भी देना है, जैसे बिल्वावले दे दिया, संजीवनी गुटी दे दिया, और कषाय सात्मक जितने द्रव्य हैं उसका सेवन करा दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोगों को ये जरूर देखना है कि रक्त तो उसमें कितना है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है उसको लूज मोशन के साथ में है यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज, लेकिन वहां पे कभी कभी ब्लड आने लगता है, छिल जाता है इतना और फिर अल्सरेशन बढ़ जाता है, तो ब्लड आ रहा है तो हमें पहले तो देखना है कि इसका एचबी लेवल कितना है। अगर एचबी लेवल कम है तो हमें ना रक्त वर्धन करने वाली दवाइयाँ देनी है, अगर कभी कभी जरूरत पड़ता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मतलब ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है। और इसी के साथ में हमें ना ये जैसे एलोपैथी में आयरन की टैबलेट देते हैं लेकिन उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, उसी के पैरेलल हमारी जो दवाइयाँ हैं जो रक्त का प्रसादन भी करती है, रक्त की भी वृद्धि करती है, तो ताप्यादि लौ है, नवायस लौ है, दाढ़िमा वले है, द्राक्षा वले है, ये सब देने से रक्त की वृद्धि होती है, तो अवस्था के हिसाब से इसमें चिकित्सा देना चाहिए। अब इसी के साथ में अब मैं कुछ और चिकित्सा बताता हूँ जो क्रॉन्स डिजीज में बहुत मतलब मैंने बहुत सारे अभी नोट्स निकाले हैं और जमदग्नि सर का भी मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से तो वह सक्सेसफुल हुआ है। तो इसमें पंचवल्कल में आप लोगों को बताया कि निग्रोधा निग्रोधादि कषायम जो रहता है पंचवल्कल से बनता है, तो निग्रोधादि गण उस निग्रोधादि गण जो है ना वो सुषु संहिता में बताया है, तो वह निग्रोधादि गण के जितने भी द्रव्य कषाय रसात्मक है और पंचवल्कल भी है तो वो कषाय रसात्मक है, श्री वृक्ष जिसको बोलते हैं पंचवल्कल, तो उनका कषाय दे दिया या निग्रोधादि गण के कषाय जो जो अवेलेबल है वो लाइए और काढ़ा बना के पेशेंट को बोलिए। तो इससे ना सुबह शाम अगर देंगे खाने के पहले, क्योंकि अपान वायु पे काम करना है, अगर आपको समान पे करना है तो खाने के साथ में करिए, जैसे कंडीशन होगी उस तरह से हम लोग खाने के पहले अधोभुक्त मतलब पहले प्राग्भुक्त वगैरह दे के हम लोग दे सकते हैं तो फायदा होता है। इसी तरह से प्रेंगवादी गण करके एक गण है, उसका अगर हम लोगों ने कषाय बना के सुबह शाम दे दिया तो प्रेंगवादी गण गण के मेडिसिन देने से भी फायदा होता है। उसी तरह से लाक्षा सिद्ध शीर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शतशीर्ण चिकित्सा चरक संहिता में बताया, तो उसमें लाक्षा बताया है, सर्पी गुड़ बताया, तो यहीं पर लाक्षा जो रहता है वो संधानीय गण में आता है, संधान करता है, हील करता है, तो क्रॉन्स डिजीज में 100% अगर आप शमन चिकित्सा से ठीक करना चाहते हैं तो लाक्षा सिद्ध शीर उसको लेके शीरपाक विधि से बना के और सुबह शाम मतलब 45 ml सुबह 45 ml शाम को इतना देंगे ना, या 3 टाइम दीजिए या 4 टाइम दीजिए पेशेंट की कंडीशन से, तो लाक्षा सिद्ध शीरपाक है ना उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से उशिरादि कषायम यह सहस्त्र योग में बताया है, जिसमें उशिर मेन कंटेन है वो पित्त का शमन करता है और कषाय रस से हील भी करता है, उशिरादि कषायम जो है वह सुबह शाम खाने के पहले दें, या फिर पुष्यानुक सीता कषायम, पुष्यानुक चूर्ण आपके पास होगा तो आप क्या करिए कि पुष्यानुक चूर्ण लीजिए उसका काढ़ा बनाइए, या फिर आप नॉर्मल पानी लीजिए और उसमें पुष्यानुक चूर्ण डालिए और चीनी डालिए मिश्री डालिए उसको मिक्स करके पिला दीजिए, ऐसा कंटिन्यू अगर कर दिया जाए ना तो क्रॉन्स डिजीज में वो हील कर देता है, पुष्यानुक चूर्ण इतना अच्छा बढ़िया काम करता है। इसी तरह से मुस्ता शीर कषायम, मुस्ता जो है वो आम पाचन करता है और मुस्ता को अगर दूध में पका के दिया, दूध इसलिए रखा है कि वह पित्तजन्य संप्राप्ति है मतलब जहाँ छिल गया है अल्सर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको हील करते जाएगा, हील करेगा तो इसलिए दूध सद्या शुक्र ग्रह पया, शुक्र बढ़ाता है और रीजनरेट करता है और बल भी है रसायन भी है जीवनीय भी है, तो इसलिए दूध को मुस्तादी जो चूर्ण रहता है, मुस्तादी चूर्ण आप सहस्त्र योग में देखेंगे या मैं पढ़ा दूंगा, तो उसका शीर पाक बना के वह सुबह शाम देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लाक्षा है, मुस्ता है, शालमली, इनको सिद्ध करके शीरपाक विधि से अगर पिला दिया जाए तो क्रॉन्स डिजीज में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा जो दवाई है वह एलोपैथी का मीसाकोल और वाइसोलोन जैसे या प्रिडनिसोलोन स्टेरॉयड इतना परमानेंट और इतना सेफ दवाई नहीं है, वो लोग अगर देते हैं वाइसोलिन और ये प्रिडनिसोलोन वगैरह देते हैं मीसाकोल देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है सारे स्टेरॉयड्स, तो उससे क्या होता है कि फिर बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर उससे और तकलीफ बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ कोई व्याधि है तो व्याधि को कम करना है, दर्द हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे काट देंगे, काट देंगे तो फिर दर्द और बढ़ जाएगा,
मतलब एक व्याधि को ठीक करने के लिए दूसरा चीज कर देते हैं। स्टेरॉयड का यही चीज है कि वह लोग एक व्याधि को ठीक करते हैं, टेम्पररी ठीक तो करेंगे लेकिन स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से एक गुड़ुच्यादि कषायम है, उसका प्रयोग अगर कर दिया जाए तो क्रॉन्स डिजीज में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुस्तादिगण का कषाय है, वह भी बहुत अच्छा काम करता है। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग ढूंढिए सहस्त्र योगम में, नेट पे सर्च करिए कहाँ कहाँ है। मैं ज्यादातर सहस्त्र योगम का ही बता रहा हूँ। तो मुस्तादिगण कषायम है, गुड़ुच्यादि कषायम है, लाक्षामुस्ता और शाल्मली सिद्ध शीर्पाक है, फिर पुष्यानुक सीता कषायम है, मतलब पुष्यानुक चूर्ण लेना है, चीनी डालना है और उसको उबाल के या फिर नॉर्मल पानी में मिक्स करके वो पीने। वह डायरेक्ट पानी में घोल के और मिश्री या गुड़ चीनी के साथ या घी के साथ दे दिया जाए या तंडुलोधक के साथ दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर लाक्षादि चूर्ण है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। यष्टि मधु चूर्ण है, क्योंकि म्यूकोजल मेम्ब्रेन में वहां पे अगर पूरी तरह से अल्सरेशन हुआ है तो यष्टि मधु जो है वो बेस्ट हीलिंग करता है, म्यूकोजल लेयर को अच्छा रिकवर करके पूरी तरह से ठीक कर देता है। और वहाँ पे जो ये रहता है ऐसा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अच्छा होता है, विलाइज जो डैमेज हुए हैं उनको रीजनरेट करता है, इसलिए यष्टि मधु चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा है। वो एक एक चम्मच ही सुबह शाम देना है। लोद्र चूर्ण है, वो कषाय सात्मक है और लोद्र जो है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है, तो इसलिए लोद्र चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है और खाने के बाद देना है। उसी तरह से कमल रहता है या उत्पल रहता है जो शीत विरियात्मक द्रव्य है, कमल का अगर आपको कमल गट्टा का पाउडर फॉर्म में मिले उसका प्रयोग करें, या कमल लोटस के पत्ते मिले, पंचांग मिले उसका प्रयोग करें, या उत्पल जो रहता है जो कमल जैसे रहता है उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा पेशेंट को रिकवरी होता है क्रॉन्स डिजीज में। इसी तरह से कुछ पानीय है, शरबत टाइप द्रव्य है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में देना है अग्नि को ध्यान में रखते हुए, तो चंदन है, मनुका है, वासा है, शतावरी है, सारिवा है, इसका अगर शरबत दिया। अब देखिए सारे सुगंधित द्रव्य है, कषाय सात्मक है और मधुर तिक्त कषाय सात्मक होने से यह हीलिंग प्रॉपर्टी है इनमें, तो चंदन हो गया, द्राक्षा हो गया, वासा हो गया, शतावरी हो गया, सारीवा हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से कंटिन्यू 9 महीने गुड़ुच्यादि कषायम में घी डाल के अगर दे दिया जाए, गुड़ुच्यादि कषायम देने से हीलिंग होते जाता है और वह रसायन है क्रॉन्स डिजीज में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए रसायन है। गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाकर रसायनी संग्रहणी कषाय उष्णा लघ्वी बल्यागिनी दीपनी दोषित्राम त्रिदाह मेह काशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्र ज्वर कृमि बमिन हरित। ये गुड़ुची का श्लोक जो है वो इसमें बताया है, भाव प्रकाश निघंटू में बताया है, तो इसीलिए गुड़ुच्य आदि कषायम जो है, गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाकर रसायनी संग्रहणी कषाय, संग्रहणी शब्द बोला है तो यहाँ जरूरत है, संग्रहणी कषाय उष्णा कषाय रसात्मक भी है, लघ्वी बल्याग्नि दीप्ने बल्य है और अग्नि प्रदीप्त करता है, दोषित्राम त्रिदाह मेह काशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातासर कुष्ठ भी बताया है, कामला कुष्ठ वातासर ज्वर कृमि बमिन हरित। तो अगर क्रॉन्स डिजीज में लूज मोशन रहा है या वमन हो रहा है, जी मिचला रहा है, इसलिए गुड़ुच्यादि कषायम का एकदम अच्छा परफेक्टली उसका यूज होता है और बहुत अच्छा मुझे तो रिजल्ट आया है, आप लोग अगर करेंगे तो गुड़ुच्यादि कषायम से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह से अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं तो हम लोग जात्यादि तेल का देते हैं या मुरीवीणा तेल का देते हैं, मुरीवीणा तेल अगर 100 ml तक दे दिया जाए मात्रा बस्ती कंटिन्यू तो उससे क्रॉन्स डिजीज में बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने इसी तरह से चंदन वाला लाक्षादि तेल, इसका मैंने अनुवासन बस्ती दिया, मात्रा बस्ती दिया, तो क्रॉन्स डिजीज में हील हो गया पूरा, और पेशेंट को मैंने 1.5 साल बोला था लेकिन पेशेंट 6 महीने में, कोई 9 महीने में ठीक हो जाते हैं, कोलोनोस्कोपी में पूरी तरह से वो नॉर्मल आता है और रिकरेंस नहीं होता, जो एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी की दवाइयाँ कंटिन्यू लेनी पड़ती है और रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पे हीलिंग का जो ये रहता है बॉडी का मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब हुआ रहता है,
हम लोग जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं तो यहाँ पर 100% 100% मतलब 100% रिजल्ट आता है। उसी तरह से गुलिका अगर देखेंगे, बहुत सारी गुलिकाएँ रहती हैं टैबलेट फॉर्म में बताए हैं, तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे विलवादी गुलिका है उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर रसकल्प अगर देखेंगे तो हम लोग आरोग्यवर्धिनी बट्टी देते हैं, गंधक रसायन देते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल देते हैं, कैशोर गुगुल देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसीलिए आप लोग भी इसका प्रयोग करिए, आपके प्रैक्टिस में चार चांद लग जाएंगे। क्रॉन्स डिजीज चैलेंजिंग से चैलेंजिंग केसेस आप लोग आराम से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से घृत का भी कुछ प्रयोग बताया है। घृत का प्रयोग में हम लोग का क्या देते हैं, तो महातिक्त घृत देते हैं, तिक्त घृत देते हैं, चांगेर आदि घृत देते हैं, फिर शुद्धोद्गृत देते हैं। शुद्धोद्गृत का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पेशेंट का ना जो भी क्रॉन्स डिजीज में अल्सरेशन है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। इसलिए मैं फिर से बताता हूँ, महातिक्त घृत, अगर महातिक्त घृत हम लोगों ने 5 से 10 ml पानी के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तिक्त घृतम अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चांगेरी आदि घृत, जो चांगेरी से सिद्ध किया हुआ घृत है, वह दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शुद्धोद्गृत, आप लोगों को मालूम है 100 बार जो क्लीन करके जो बनाया जाता है, शुद्धोद्गृत अगर हमने 5 से 10 ग्राम 10 ml तक सुबह शाम दे दिया तो शुद्धोद्गृत से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर ये वासादी घृत दे दिया तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पेशेंट को तो मैंने इनमें से सभी का अलग अलग पेशेंट में यूज किया है तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसी तरह से अगर सौषधि में देखेंगे तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो बोल परपटी दे सकते हैं, रस परपटी दे सकते हैं। परपटी कल्प का जो प्रयोग रहता है वह क्या करता है कि अग्नि को अच्छा करता है, ग्रहणी कला को अच्छा करता है, पित्त को मिनिमाइज करता है, मतलब बहुत ज्यादा पित्त निकल रहा है उसको ठीक कर देगा, और आम का पचन करेगा, इसलिए बोल परपटी अच्छा है। फिर इसी तरह से रस परपटी बहुत अच्छा है। फिर गंधक रस परपटी, गंधक युक्त जो रस परपटी होती है उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में सर्ज रस भस्म, सर्ज रस मलहम भी मिलता है आप लोगों को मालूम है, उसी का भस्म, सर्ज रस का भस्म बनाया तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जो कांक्षी है आप लोगों ने पढ़ा है, कांक्षी का भस्म बना के अगर दे दिया तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। वह शहद के संग देना है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आरोग्य वर्धनी बट्टी का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और पेशेंट को तक्र पे रखना है, पेशेंट जितना तक्र पी के रहेगा उतना जल्दी रिकवरी होगा। तो आप लोग अपने मेथड से तक्र बनाते हैं, मैं कैसे करता हूँ कि 250 ml दही, 2 लीटर पानी, उसको पतला करके मत के फिर छान कर फिर उसमें जीरा भुन के डालते हैं, काला नमक डालते हैं और वह पीने के लिए देते हैं। तो वो तक्र कंटिन्यू पीने के लिए देना है। और गाय का घी जो है वो अग्नि को बढ़ा के, भूख बढ़ा के, और उसके बाद में 50 to 100 ml गाय का घी उसको कंज्यूम करना है, दिन भर खाने के साथ में करना है, जितना उसका स्नेहन होते जाएगा, क्योंकि क्रॉन्स डिजीज में स्नेहन होना बहुत जरूरी है, पित्त का शमन होना है, वहां पे हीलिंग है। तो घी से श्रेष्ठ कोई भी द्रव्य नहीं है, इसलिए घृत का प्रयोग करने से एक एक सेल में स्नेहन होता है। स्नेहन होगा तो आराम से अन्न भी पचेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होगा, पेट दर्द में अच्छा फायदा होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पथ्य, पथ्य क्या रहता है क्रॉन्स डिजीज में, तो बकरी का दूध जो रहता है वह सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसी तरह से हमें क्या करना है कि उसमें दोष पाक कितना हुआ है, दोषों की चिकित्सा, मतलब अगर दाह पाक है तो पित्त शामक चिकित्सा करिए, अगर कफ का वहां बहुत ज्यादा स्थानता है और श्वासकाश भी हो रहा है तो कफ की चिकित्सा करें, अगर शूल बहुत ज्यादा हो रहा है तो पेन की मैनेजमेंट में अनुवासन बस्ती, निरु बस्ती, निरु में हम लोग ज्यादातर तिक्तक्षीर बस्ती का ही प्रयोग करते हैं। तिक्तक्षीर बस्ती सेफ भी है और उसके कोई व्यापत होता हुआ नहीं दिखता है क्योंकि उसकी मात्रा भी कम रहती है। हम लोग बड़ा बड़ा दशमूल काढ़ा की बस्ती वगैरह नहीं देते हैं क्योंकि उसके इंटेस्टाइन को ज्यादा वात का प्रकोप ना हो जाए। अगर देते भी हैं, जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो हम लोग हिसाब से देते हैं, स्नेहन शोधन करा के देते हैं। और सबसे अच्छा है कि चंदन वाला लाक्षादी तेल, जात्यादी तेल का अगर मात्रा बस्ती दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पिच्छा बस्ती में क्या क्या रहता है, तो इसमें घी मधु रहता है, फिर उसमें थोड़ा सा स्नेह रहता है, कोई भी घी वगैरह डालिए, महातिक्त घृत वगैरह डालिए, फिर उसके बाद में शुद्धोद्गृत घृत डालिए, चांगेरी आदि घृत डालिए, यष्टि मधु का कल्क डालिए, कषाय में मुस्तादी यापन बस्ती, मुस्ताशीर कषायम, शालमली डाल दीजिए, थोड़ा सा लवण डालिए, सेंधा नमक, ताकि वो बस्ती में बस्ती द्रव्य को लेके जाए व्यवस्थित, और सूक्ष्म सूक्ष्म सेल में वो लेके जा सके, इसलिए हम लोग लवण थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं। इसी तरह से एलोपैथी में बहुत सारे पेनिसिलिन देते हैं, सिफेलोस्फोरिन देते हैं, एम्पिसिलिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं,
तो हमें उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है बॉडी में, और जिसके वजह से क्रॉन्स डिजीज बढ़ तो नहीं रहा है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन, शोथ ऐसे सिम्टम दिख जाते हैं, तो इसका हमें ध्यान में रखना है। और फिर दूसरा क्या करना है कि अगर दूध पीना है हमें, गाय का दूध पीना है, तो 50% गाय का दूध और 50% दूध पानी, इसको मिक्स करके और वह देना है, मतलब डाइल्यूट फॉर्म में अगर दूध पिए तो अच्छा रहेगा। दूध नहीं पीना है तो क्योंकि का जैसे आरोग्यवर्धन जैसे मेडिसिन का अनुपान दूध रहता है, तो डाइल्यूट फॉर्म में दूध पीना है, और नहीं तो तक्र पी के मैक्सिमम रहे तो वो जल्दी अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि मुस्ता चूर्ण का बहुत अच्छा है, पर्पटी कल्प का बहुत अच्छा यूज रहता है। अब ये क्रॉन्स डिजीज होता क्यों है, इसका अगर हम लोग ग्रहणी में देखते हैं हेतु, तो उसमें हमें पता चलता है कि अभोजनादति जीर्णात भोजना विषमाशनात अस्यात्मे गुरु शीता अति रुक्ष संदुष्ट भोजनात विरेक वमन स्नेह भ्रमात व्याधि कर्षणात देश कलर्त वैषम्यात वेगानम च विधारणात दुष्ट तग्नि। मतलब इसमें ऐसा है बताया है कि अभोजनात, जब खाने का टाइम नहीं है, मतलब भूख लगी नहीं है, तब भी खाना खा लिया क्योंकि टाइम हो गया, उसकी वजह से ग्रहणी दृष्टियों के क्रॉन्स डिजीज होता है। आयुर्वेद ने क्रॉन्स डिजीज को ग्रहणी दृष्टि का ही मैनिफेस्ट, ग्रहणी रोग ही बताया है, इसको पित्तज ग्रहणी करके बताते हैं आचार्य लोग, क्योंकि पित्तज ग्रहणी के सारे सिम्टम्स में मिल जाते हैं। इसी तरह से अजीर्ण में भोजन कर लिया, अभी खाना पचा नहीं है और तब भी खाना खा लिया, विषमाशन कर लिया, कभी भी खा लिया कभी भी नहीं खाया वो विषमाशन हो गया, असात में भोजन कर लिया जो शरीर को नुकसानदेह है, जैसे पेप्सी कोला बहुत ज्यादा पी लिया और फिर स्पाइसी खा लिया, पेप्सी कोला वगैरह जो लिया ना, उससे क्या होता है कि वो पेट में इरिटेशन करता है, विदाही पदार्थ बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाई, गर्म मसालों वाली, और कंटिन्यू बहुत साल खाई, गुरु पदार्थ बहुत खाया जो अग्नि को मंद करता है, शीत पदार्थ खाया, फिर विष्टम्भी भोजन किया जो कॉन्स्टिपेशन करने वाले मैदा के पदार्थ रहते हैं, ब्रेड बिस्किट इडली डोसा और पिज्जा बर्गर जो बाहर के जंक फूड रहते हैं, वह सब क्या करते हैं कि ब्रेड वगैरह खाया ना तो वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो विष्टम्भी भोजन कर दिया। इसी तरह से अनहाइजीनिक कंडीशन वाले जहाँ बनाया जाता है, जो ठेले पे लोग रहते हैं ना, पानी पूरी बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, फिर तो उसके बाद में क्या क्या समोसे वगैरह जो रोड साइड में रहता है, जो अनहाइजीनिक रहता है, उसकी वजह से ग्रहणी दृष्टि होती है। और हमारे सर ऐसे बताते हैं कि एक दूसरे का जूठा खाना यह भी बहुत गलत है, उससे भी ग्रहणी दृष्टि होती है। बासी खाना खाना जो शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, ऐसे चीजें खाना, तो उससे क्या होता है कि क्रॉन्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें चिकित्सा क्या बताया है कि इसमें पहले पित्त की तरफ चिकित्सा करना है, तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि स्वस्थानम उत्कृष्ट अग्निर्वापकम भुजा पित्तम ज्ञात्वा विरेकेण निर्हृद वमनेन वा अविदाहे भी अन्नश्च लघु विस्तिक्त संयुते जांगलाम रसे रमोषेद मुद्गादीनाम खड़े रपि दाढ़ी माम दीपन राहि संयुते तस्यां दीप्य चूर्णम चूर्णे सर्पिर्वास तिक्तकैः। इसमें लघु और संतर्पक कारक आहार देना है, मतलब हल्का खाना खाना देना है, जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं उनको मांसरस का सेवन कराना है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको यूज देना है, और यूज ज्यादा दें, लिक्विड डाइट ज्यादा दें ताकि पेट को तकलीफ ना हो। उसी तरह से इसमें चंदनादि घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, शुंठ आदि चूर्ण का प्रयोग करने से अच्छा फायदा होता है, भूनिम्बादि चूर्ण पित्तज ग्रहणी में बताया उसका प्रयोग करने से अच्छा फायदा होता है, किरातिक्तादि चूर्ण देने से फायदा होता है, चंदनादि क्वाथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, पर्पटी कल्प में लौह पर्पटी पंचामृत पर्पटी कुटज पर्पटी इनका बहुत, क्योंकि पर्पटी कल्प जो रहता है वह खास ग्रहणी के लिए ही बनाया है, तो इसका प्रयोग करने से अगर हमें एंटी ऐसा देखने को आ रहा है कि अगध का मतलब बहुत ज्यादा विष का सेवन किया है, तो अगध द्रव्य जो है जैसे कि स्वर्ण युक्त द्रव्यों का स्वर्णमालिनी वसंत वगैरह देना पड़ता है, जिससे बल मिले पूरे बॉडी को बल मिले, ऐसा करते हैं, और फिर मृदु उसमें अनुलोमन या मृदु विरेचन करते जाना है, तो इससे ना यह क्रॉन्स डिजीज जो है उसको ठीक करना आसान हो जाता है। मैंने अपने तरफ से बताया पिच्छाभस्थी का भी बहुत ज्यादा महत्व है, खाने में घी मैक्सिमम रखना है, पिच्छाभस्थी जो है वो डेली दीजिए या अल्टरनेट डे दीजिए, तो इससे पिच्छाभस्थी से क्रॉन्स डिजीज पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और पेशेंट को बता दीजिए कि 1.5 साल तक लगेगा आपको, दीपन पाचन हम लोग करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करनी है और आयुर्वेद की दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है, फिर आप एक बार एंडोस्कोपी में आ गया रिपोर्ट कि सारा हील हो गया अंदर ही अंदर, तो उसके बाद में हम लोग आयुर्वेद की भी दवाइयाँ बंद करेंगे, और फिर 1-2 साल तक हम उन्हें तक्र पीना कंपलसरी है, घी खाना जरूरी है, कुछ परहेज बोलते हैं कि रिकरेंस ना हो वो फिर से, तो पेशेंट परमानेंट ही होते हैं। मैंने 2005 में बहुत सारे क्रॉन्स डिजीज वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेन कोलाइटिस वाले ऐसे पेशेंट लोगों को ठीक किया, तो आज तक 2022 आ रहा है, आज तक उनको मैंने उनको किसी किसी को 3 महीना लगा, किसी को 9 महीना लगा, किसी को मैक्सिमम 1.5 साल लगा,
तो उसके बाद वो जो रिकवर हुए उनको बाद में वो रिकरेंस नहीं हुआ, मतलब वो ठीक ही हो गया 100%, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा का हमने उपयोग किया तो अच्छा फायदा होता है। मैंने बहुत सारा आप लोगों को योग बताया, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करिए और क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट को दीजिए, और बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये बहुत बड़ा बीमारी है, हमारे पास पेशेंट आया है तो हम कर पाएंगे कि नहीं। आप क्यों नहीं कर पाएंगे, भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आपने जब वो व्याधि को समझ लिया, इसलिए माधव निदान की क्लास में हम लोग सुबह 6 से 7 बजे जो होता है माधव निदान क्लास, उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, संप्राप्ति समझते हैं, दोष दुष्य समूर्छना समझते हैं, व्याधि अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह से जा रहा है। जैसे हमने विषम ज्वर देखा, फिर उसके बाद में हम लोग विषम ज्वर की क्रॉनिक अवस्था रहती है तो वात बलासक ज्वर क्या है, प्रलेपक ज्वर है वो देखा, फिर उसके बाद में धातुगत ज्वर अभी चल रहा है, वो 6 से 7 बजे सुबह होता है और 7 से 8 अष्टांग हृदय होता है, तो हम लोग गंडूष विधि कर रहे हैं। ये सब पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है कि हम शास्त्र को अच्छी तरह से समझें, जब हम पढ़ेंगे तब हमारे पास पेशेंट आएंगे ना तो हमें डर नहीं लगेगा कि क्रॉन्स डिजीज में क्या देना है, क्यों नहीं देना है, हम लोग ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे। और जो मैंने बताया कि वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में व्रण हुआ है, तो उसके व्रण और पित्त रक्त दुष्टि हुई है, तो हम लोग व्रण की चिकित्सा ही करेंगे, दीपन पाचन करेंगे, अनुलोमन करेंगे और व्रण को हील करने का कोशिश करेंगे। और पिच्छाभस्ति बताया मैंने, बहुत सारे योग बताया, इसका प्रयोग करें। क्यों नहीं पेशेंट ठीक हुआ, पेशेंट ठीक होने के बाद हमें थैंक यू भी बोलता है और 10 पेशेंट और भेजता है, इसलिए विश्वास करके आप लोग चिकित्सा करिए और हमें भी बताइए। अभी ना इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, उसके पहले आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ, आप लोग कोई भी प्रश्न है वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। हाँ, ये कंचन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 1 मिनट रुकिए, मैंने थोड़ा इसको ये कर देता हूँ, ये ना थोड़ा ना मेरा ये हो जाता है, हैंग हो जाता है जैसे मेरा लेक्चर खत्म होता है ना। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको, ये थोड़ा ना हैंग हो रहा है, रुके, ये ना मेरा ना ये स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा हैंग हो रहा है मैं, लेकिन सभी के प्रश्नों का उत्तर दे के ही जाऊंगा, और हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। 1 मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, ये ना थोड़ा हैंग हो रहा है, मेरे को करने को नहीं आ रहा, 2 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, मुझे थोड़ा यहाँ डिफिकल्टी हो रही है, रुकिए, ये ना हैंग हो रहा है। हाँ डॉक्टर, मैं ना सभी का प्रश्नों का उत्तर दूंगा। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रवण त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया, आप 3 वेद पढ़े हैं इसलिए आपका नाम त्रिपाठी जी है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर कौशल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सविता लांजेवार जी, आप शायद नागपुर की डॉक्टर हैं, विदर्भा में ही ऐसा सरनेम होता है लांजेवार, आपको प्रणाम, कोटि कोटि नमस्ते। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं, सर मेरे पास एक पेशेंट आया है जो स्टूल विद म्यूकस ब्लड स्टेन कंप्लेंट लेकर आया है, हम पिच्छाबस्ती दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, पिच्छाबस्ती से पेशेंट ठीक हो जाएंगे। आपको पिच्छाबस्ती पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हीलिंग कैपेसिटी रहती है, तो वो जो बोलते हैं ना शालन कर्म करता है, वो हील भी करता है, कफ को भी निकालता है और पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन अच्छा हो जाता है। पिच्छाबस्ती मैं देता हूँ तो मुझे मालूम है पिच्छाबस्ती का ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको, 1 मिनट रुके, यहाँ पर ना हैंग हो रहा है थोड़ा, मुझे ना फेसबुक लाइव में करने में यहाँ यही डिफिकल्टी आ रही है, आज बहुत हैंग हो रहा है, यहाँ नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुके, मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर दे के ही जाऊँगा। डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी बोल रही हैं कि सर प्लीज़ एक लेक्चर यूटीआई मेल एंड फीमेल बोथ पर करें। जी जरूर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर मैं एक लेक्चर करूंगा, आप लोगों को मैं बहुत सारे आयुर्वेद की दवाइयाँ बताऊंगा, क्योंकि हम लोग कैसे हैं ना, हम लोग ऐसे ही पढ़े पले बड़े हैं आयुर्वेद के गुरु लोगों के पास, कि हम कोई भी व्याधि पूछेंगे मैं अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी थैंक यू। डॉक्टर वनीता जी बोल रही हैं कि शल्यकी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन क्रॉन्स डिजीज, शल्यकी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, जब पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर वनीता कंसल जी बोल रही हैं कि
तिक्त द्रव्य लाइक हरिद्रा आरोग्य वर्धनी आल्सो गिवन गुड रिजल्ट बिकॉज बाइल गेट लॉस्ट विद इन विद टू मच टूल्स। आपका बात सही है, आप एलोपैथी के हिसाब से बाइल और ये स्टूल ये सबसे अच्छा है कि आप आयुर्वेद के शब्द बोलिए। हाँ डॉक्टर कंचन जी बोल रहे हैं क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे समझे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादा वो लक्षण आते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, पेट दर्द रात रात भर होता है, बार बार पेशेंट को जाने का होता है। यही क्रॉन्स डिजीज ही जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस भयंकर बीमारी है और क्रॉन्स डिजीज उतना नहीं होता है, उसमें पेट दर्द होगा लेकिन लक्षण कम रहते हैं। डॉक्टर वनीता जी बोले क्रॉन्स डिजीज मोर पेन्स एंड स्टूल्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज लार्ज इनफ विद क्या ब्लॉक स्टूल्स। इसमें क्या रहता है ना कि पेन जो होता है क्रॉन्स डिजीज में, आपका बात सही है, पेन ज्यादा होता है अगर तेल मिर्ची मसाला ज्यादा खाया जाए तो पेन ज्यादा होगा, ये आपकी बात सही है। और दूसरा क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या रहता है कि कॉलिकी पेन रहता है, ऐसे मरोड़ आते रहते हैं बार बार और उसमें ब्लड स्टेन स्टूल्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादा आते हैं, लेकिन ये भयंकर रूप है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज में पेन होगा लेकिन कैसा खाना खा रहे हैं, जैसे दाल बहुत खाएंगे मिर्ची मसाला खाएंगे तब ये पेन एग्रेवेट हो जाता है। इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, एक जैसे ही दोनों बीमारियां हैं लेकिन क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा भयंकर रहता है, उसमें ब्लड स्टेन मतलब खून का रक्तज प्रवाह का बोलेंगे, खून का लूज मोशन होता है, प्रवाहन करना पड़ता है बहुत ज्यादा और उसमें कॉलिकी पेन बहुत होता है। क्रॉन्स डिजीज में इतना ज्यादा प्रवाहन नहीं करना, इतना सारा म्यूकस और ब्लड नहीं आएगा तो इसीलिए वो देखना पड़ता है। क्रॉन्स डिजीज कब एग्रेवेट होता है, तेल मिर्ची मसाला खाने से होता है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिद्धेश पांड्या जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। देखिए वनीता जी वही बोल रही हैं कि आई मेंट ब्लड स्टूल्स। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिद्धेश पांड्या जी नमस्ते प्रणाम आपको। श्री वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मेरे को ये करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि हैंग हो रहा है बीच बीच में। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चरिता मूर्ति जी हाँ ये बोल रहे हैं हिंगुवाचारिक चूर्ण कॉजेस इरिटेशन, मैं वायु का अनुलोमन करने के लिए बताया, उसको आप घी के साथ दीजिए तो फिर इरिटेशन नहीं करता है। हिंगुवाचारिक चूर्ण अगर आप घी ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, महातिक्त घृत के साथ दे रहे हैं तो वह नहीं इरिटेशन करता है। अगर आपने प्लेन दिया पानी के साथ दिया या ऐसे ही खाने के लिए दिया तो वह हींग के वजह से और बच्चा जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है उससे इरिटेशन करेगा, उसका अनुपान बदल के दें। मैंने हिंगुवाचारिक इसलिए देना चाहिए कि वायु अटका हुआ रहता है, शूल हो रहा है, शूल की कंडीशन में हमें वायु को निकालना है वहां से, इसलिए मैंने हिंगुवाचारी बोला और उसका फायदा होता है। डॉक्टर शिल्पा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण जी बोल रहे हैं पिच्छाबस्ती, इस पर मैं एक लेक्चर ही लूंगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा, पिच्छाबस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं पिच्छाबस्ती पे एक लेक्चर लूंगा, अभी टाइम नहीं है, मुझे बताने में 1 घंटा लग जाएगा। डॉक्टर शिवानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं सर शब्दोद्गृत इंटरनल यूज कर सकते हैं क्या, क्यों आखिर तो घी है ना सर, 100 बार धोया हुआ पानी से धोया हुआ है घी है, उसको इंटरनली तो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी है उसका प्रयोग करते हैं तो वो हील करते हैं। 1 मिनट ये हैंग हो रहा है थोड़ा, आप लोग के सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ मजबूरी है कि हैंग हो रहा है बार बार, 1 मिनट रुकिए, यहाँ मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। हाँ डॉक्टर स्नेहल रावल जी बोल रही हैं कि प्रणाम आपको, प्रणाम। हाँ आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, यहाँ ना मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है स्क्रॉल करने में क्योंकि ना हैंग हो रहा है बार बार फेसबुक लाइव, और मुझे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देना है तो अभी मैं कैसे करूँ। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, आप लोग को जो भी प्रश्न पूछना है कृपया आप लोग ना, हाँ इसमें अभी आ गया डॉक्टर राम पोखरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्रॉन्स डिजीज का केस इंडिया में बहुत कम है, हाँ ये कम रहता है। और विश्वनाथ जी बोल रहे हैं शेल वी गिव 18 सूक्ष्म त्रिफला, आपका बात सही है हम देते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रत्नेश दास जी नमस्ते प्रणाम।
ये क्या है, हो नहीं पा रहे। मैं अभी फिर से कोशिश करता हूँ।